ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है समावेशी समाज और दिव्यांग जनों के लिए समान अवसर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विशेषज्ञ आरसी मीणा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग जनों के लिए हम सभी जानते हैं कि एक अधिकृत मंत्रालय है और इस मंत्रालय में खास तौर पर दिव्यांग जनों के लिए एक विशेष विभाग भी है। आज हम इस चर्चा में ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे पर खासतौर पर दिव्यांगजनों के लिए जो समाज में एक एक्सेसिबल माहौल बनाया जाए, उनके रहने उनके जीने के लिए एक सुलभ माहौल बने, इस पर बात कर रहे हैं। और हम अपने श्रोताओं को ये जानकारी भी दे दें कि दिव्यांगजनों के लिए ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी डे के अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश भर में एक पूरा कार्यक्रम किया है। आज देश के 80 से भी ज्यादा जगहों पर मंत्रालय से जुड़े दिव्यांगजनों के लिए काम कर रही संस्थाओं और संगठनों ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए हैं। तो आज हम इस महत्वपूर्ण दिन पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से आरसी मीणा जी। मीणा जी, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के इस मौके पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एक्सेसिबिलिटी है, यानी समाज में दिव्यांगजनों को जीने के लिए और उन्हें रहने के लिए सुलभ माहौल मिले जिससे कि वो सम्मानजनक जीवन जी सकें, सरकार ने इस बात को कितना प्राथमिकता से देखा है और कितना अहम है ये दिन? हमारा मंत्रालय ये चाह रहा है कि जितने भी दिव्यांगजन हैं वो बोलने में, सोचने में और सीखने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। आज जो ग्लोबल अवेयरनेस एक्सेसिबल पे जो मना रहे हैं उसकी थीम यही है कि डिजिटल रूप से सभी को मतलब एक्सेसिबल बना दिया जाए। तो उसके लिए ये एंश्योर किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर, मोबाइल और जो लोग सामान्य लोग जो उपयोग कर सकते हैं उसी अनुसार सारे दिव्यांग उसका उपयोग कर सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए मतलब जो हमारी पॉलिसी है सरकार की वो उसी प्रकार से आगे तैयार की जाएगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा। एक हमने बहुत अहम अभियान देखा था आरसी मीणा जी, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान, जो कि एक्सेसिबिलिटी से जुड़ा हुआ था, जिसमें ये फोकस था कि जो दिव्यांगजन है अगर वो किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो उनके लिए हिसाब से बनाया जाए, जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनके हिसाब से तैयार की जाएं, और जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पूरा इकोसिस्टम है वो उनके मुताबिक तैयार हो, यानी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही, जैसा कि आपने भी बताया, एक दिव्यांगजन भी उन सभी चीजों का आसानी से इस्तेमाल करके अपने समाज में एक प्रोडक्टिव यानी रचनात्मक योगदान दे सके। ये अभियान कितना सफल रहा है? आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा पहले पीछे जाऊंगा। बिल्कुल। कि सर ये जो अभियान हुआ था 2015 में शुरू हुआ था, उसमें हमारे 5 उद्देश्य थे। सरकारी भवनों को के अनुपात को बढ़ाना एक्सेसिबल बनाने के लिए, और हवाई अड्डों को सुगम्य बनाना, रेलवे स्टेशनों को सुगम्य बनाना, सार्वजनिक परिवहन को सुगम्य बनाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सुलभ मानकों को पूरा करने के लिए सुलभ और उपयोगी सार्वजनिक दस्तावेजों और वेबसाइटों के अनुपात में वृद्धि करना, सांकेतिक भाषा दुभाषियों के पूल को बढ़ाना, सार्वजनिक टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों की दैनिक कैप्शनिंग और साइनिंग लैंग्वेज व्याख्याताओं की संख्या बढ़ाना, ये हमारे कई उद्देश्य थे। उसमें हमने बहुत सारे उद्देश्य काफी हद तक पूरे कर लिए हैं। हमने जो एयरपोर्ट्स हैं 65 एयरपोर्ट में से 55 को सुगम्य बना दिया है, और जो रेलवे स्टेशन थे उनको 50% टोटल रेलवे स्टेशन 50% को सुगमता के और ले गए हैं। जो बसेज थी वो 29% तक हम सुगम बनाने की ओर ले गए हैं। स्कूल में 71% जो स्कूल हैं 71% उनको सुगम बना दिया, उसमें जरूरी रैंप, हैंडरेल, एक्सेसिबल टॉयलेट, ये सारी व्यवस्था कर दी गई है। भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं उनमें से 1100 बिल्डिंगों को सुगम बना दिया है दिव्यांगजनों के लिए। इसी प्रकार से जो राज्य सरकारों के 1314 बिल्डिंग हैं उनको भी दिव्यांगजनों के लिए सुगम बना दिया गया है। इसी प्रकार से जो वेबसाइट्स हैं वो 700 से ज्यादा वेबसाइटों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाने का कार्य भारत सरकार ने
किया है। आपने विस्तार से बताया आरसी मीना जी कि किस तरह से एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन बहुत सफल रहा है। एक्सेसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, यानी जैसे आपने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन को एक्सेसिबल बनाया गया है और एयरपोर्ट्स को एक्सेसिबल बनाया गया है, रेलवे स्टेशनों को एक्सेसिबल बनाया जा रहा है, वेबसाइट और इस तरह की, और खासतौर पर आपने साइन लैंग्वेज का भी जिक्र किया। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या कोई इंटरनेशनल ऐसे स्टैंडर्ड हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है एक्सेसिबिलिटी की बात जब होती है कि इस मानक पर ये एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, तो इसकी इनकी कैसे निगरानी की जाती है जिससे कि जो सरकारी स्तर पर तो एक्सेसिबिलिटी को हम जानते ही हैं कि सरकार इंश्योर करती है, लेकिन जो प्राइवेट स्तर पर एक्सेसिबिलिटी इंश्योर हो, सभी को सुलभ माहौल मिले, इस मामले में एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड को लेकर क्या सरकार की अप्रोच है, क्या मंत्रालय इस दिशा में काम करता है? मैं आपको इसमें ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है, जो अप्रैल 2017 से लागू किया गया है, उसमें ऐसे प्रावधान रखे गए हैं दिव्यांग जनों के लिए, चाहे वातावरण जिस भी, चाहे बिल्ट एनवायरनमेंट में हो, चाहे वो वेबसाइट्स को सुगम बनाने के लिए हो, चाहे वो किसी और किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन में हो, वो सबके लिए एक प्रावधान किया गया है एक्ट में। उसी के संदर्भ में हमारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, 20 मिनिस्ट्रीज, उनके साथ पूरे गाइडलाइंस फ्रेम कर रहे हैं जिससे उनको न केवल भारत सरकार या राज्य सरकार के सरकारी कामों में, इवन जो पब्लिक प्लेसेज हैं, वेबसाइट्स हैं जो पब्लिक के जनरल रूप से काम आती है, उनको सुगम में बनाने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं, गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं। उसमें से हमारे जो 20 मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें से 5 मिनिस्ट्रियों के गाइडलाइंस, मिनिस्ट्रीज के गाइडलाइंस नोटिफाई हो गए हैं, ई गजट नोटिफाई हो गए हैं, जिसको आम पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है और बाकी पे त्वरित रूप से कार्रवाई की जा रही है। अब उसमें कि जैसे हमारा एक्ट का एक सेक्शन है 44, उसमें सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि ये सभी प्रकार के एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होगा, चाहे वो सरकार के हो या कोई सार्वजनिक स्थान। आपने आरपीडी की बात की, यानी जो दिव्यांग जनों के लिए 2016 में एक अधिनियम आया था, पहले 1995 का था, फिर 2016 में ये अधिनियम आया जिसमें कि दिव्यांग जनों को जो अधिकार हैं उसके बारे में एक हमारे सामने व्यापक अप्रोच आई, और साथ में दिव्यांग जनों की श्रेणियों को भी इसमें बढ़ाया गया, एक्सेसिबिलिटी की जो हमने बात की, उनको सुलभ और सुगम्य माहौल मिले, इसके बारे में भी विस्तार से इसमें बात की गई है। तो ये कानून, ये अधिनियम जो आया है, ये कितना प्रभावी है और कितना इससे बहुत बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं कि जो उनके दिव्यांगजनों के अधिकार हैं उनको बराबरी का दर्जा समाज में मिलना चाहिए, इसको लेकर इस अधिकार ने एक नया वातावरण दिया है समाज में? कमल जी, मैं इसमें ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा एक्ट है ये पूर्ण रूप से मतलब प्रभावी है। जैसे पहले जो हमारे 14 प्रकार की जो डिसेबिलिटीज थी वो अब 21 प्रकार की डिसेबिलिटी हो गई है, और इसमें एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी संस्था है यदि उसको पूरा नहीं करती है तो उस पर लीगल बाइंडिंग भी की जा सकती है। उसके लिए हमारा एक ऑफिस है सीसीपीडी, आपने सुना होगा, तो वो जो दिव्यांग जनों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक तरह से निर्देश जारी करता है और उसके जो ऑर्डर है वो एक तरह से बाइंडिंग के रूप में काम आते हैं। और जो हमारे जो 20 मिनिस्ट्रीज की जो गाइडलाइंस आएंगी उसमें ये प्रावधान होगा कि यदि कोई पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ वो कोर्ट में जा सकता है, हमारे सीसीपीटी जो फोरम है वहां पर अपनी आवाज उठा सकता है, और हम भी उनको बीच बीच में डायरेक्शन देते रहते हैं कि इनको लागू किया जाए। सिप्ला स्कीम में भी ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं कि उनको हम बार बार निर्देश जारी करते रहते हैं कि इसको लागू करें, और सारे जो चाहे वेबसाइट हो, चाहे कोई बिल्ट एनवायरमेंट हो या कोई संचार के कोई साधन हो, और उनको एक्सेसिबल बनाया जाए दिव्यांगजनों के लिए, तो हम बीच बीच में निर्देश भी जारी करते रहते हैं और एंश्योर करते हैं जितनी भी कंप्लेंट हमारे पास आती है कंसर्न डिपार्टमेंट से, संबंधित मंत्रालय से, उनको पूरा करने के लिए निर्देशित करते हैं। तो आपने बताया कि जैसे 20 मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर गाइडलाइन बनाई जा रही है कि जिससे कि सभी जगहों पर जो दिव्यांगजन है उनके लिए एक सुगम्य माहौल, सही माहौल बनाने के लिए स्टैंडर्ड बनाए जाएं। ये गाइडलाइंस आप बता सकेंगे कि कब तक तैयार होंगी और इनसे आगे आने वाले समय में जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है उसको कैसे और ज्यादा मजबूती मिलेगी? अभी तक हमारे 20 मंत्रालयों में से 5 मंत्रालयों की, 3 मंत्रालयों की गाइडलाइंस अभी जो नोटिफाइड हुई हैं जी, जिसमें जो माइटी है उसने अपने ई नोटिफाई किया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत, और बाकी की ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं वो पब्लिक डोमेन में डाल दी गई हैं, उसमें से 2 बाकी ने अपनी डाल दी हैं, बाकी 4 मंत्रालयों ने
उसे अडॉप्ट कर लिया गया। अभी हमारे मंत्री जी ने 6 अप्रैल को सभी जीवी मीटिंग ली थी 20 मंत्रालयों से, और उन्होंने 20 मंत्रालयों के साथ त्वरित इस पर कार्रवाई करने के लिए बोला गया था, और अभी भी हमारी 22 तारीख को दोबारा मीटिंग ले रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये सभी गाइडलाइंस को पूरा कर लिया जाए। अभी जैसे हमारा एक्सेसिबल कैंपेन अभी दिसंबर 2023 में पूरा हो गया, परंतु अब इसको हम पूरा हो गया परंतु अब हम इसको डेयरी फ्री एनवायरमेंट के अंतर्गत मर्ज कर दिया, तो हमारा जो कैंपेन जैसे चल रहा था वैसे ही उसमें और त्वरित गति से हम इसमें आगे बढ़ेंगे, और उसमें जितने भी हमारे एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं अलग अलग उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करने के लिए मंत्रालयों को निर्देशित करते रहेंगे। दिव्यांगजनों के लिए मंत्रालय ने, सरकार ने एक पूरा यूनिफाइड सिस्टम बनाया है। हम देख रहे हैं कि बीते सालों में ऐसा हुआ है कि सरकार ने दिव्यांगजनों के, चाहे वो डेटा हो, उनकी पहचान हो, उनके लिए सुविधाएं हो, उनको एकीकृत किया है, यूनिफाइड किया है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो यूनिक, इसमें मैं उदाहरण लेना चाहूंगा, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसी तरह से एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की तो हमने जिक्र ही किया। इसके अलावा जो दिव्यांगजनों को वितरित किए जाते हैं असिस्टिव डिवाइसेस, उनकी भी स्कीम को और ज्यादा फैलाया गया है, जिससे कि दिव्यांगजनों को जो उपकरण है वो मिल सकें। तो ऐसी पहल को जो और ज्यादा विस्तार दिया गया है, उससे कैसे दिव्यांगजनों तक सरकार की पहुंच और ज्यादा बढ़ी है और कैसे उनको और ज्यादा मात्रा में सुविधाएं मुहैया हो रही हैं, थोड़ा इस बारे में संक्षेप में आप अगर बता सकें तो। हमारा शिप्रा के अंतर्गत ही एक पूरा सब स्कीम है, AGP के नाम से जानते हैं, जो सारे दिव्यांगजनों को जागरूक करने के लिए समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी बीच में हमने गोवा में अवेयरनेस प्रोग्राम किया, अभी जैसे आज के इस डे के अंदर 80 से ज्यादा संस्थानों ने इस पर जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाए। इसी प्रकार से बीच बीच में हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं और दिव्यांगजनों और आमजनों को जागरूक करते रहते हैं कि उनके क्या अधिकार हैं और उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, और यदि किसी प्रकार की यदि उनको समस्याएं आ रही हैं तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है जिसको हमारा जो सबोर्डिनेट ऑफिस है वो चला रहा है, तो वहां अपनी बात को रख सकते हैं। और जी। जो हेल्पलाइन नंबर हमारे नीचे हमारे मंत्रालय में भी एक UDID से रिगार्डिंग एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, वो अपनी बात वहां भी रख सकते हैं, तो उसको हम अलग अलग यदि किसी हमारे मंत्रालय से संबंधित है तो हम उसको पूरा करते हैं, और अदर मंत्रालय से संबंधित होती है, दूसरे मंत्रालय से संबंधित होती है तो उसको उठाया जाता है। तो इसी प्रकार से हम अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं आमजनों को और दिव्यांगजनों को कि जो एक्ट में जो भी प्रावधान किए गए हैं उनको प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। जी, अंत में थोड़ा सा हम आपसे समझना चाहेंगे इस बारे में भी कि आपने बताया कि RPWD एक्ट पूरी तरह से अब लागू है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी लागू है, तो गांवों में भी सरकार कोशिश कर रही है कि शहरों की तरह शहरों में, गांवों में और दूर दराज के इलाकों में भी दिव्यांगजनों तक पहुंच हो सके, बजाय कि जैसे हम देखते थे कि जो महानगर हैं या जो मेन स्ट्रीम शहर हैं वहां तक ही सुविधाएं पहुंचती थी, तो दूर दराज के इलाकों में सुविधाएं पहुंचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और कितना इससे बदलाव देखने को मिला है? कमल जी, मैं इसमें आपको ऐड कर देना चाहता हूं कि हमारा मंत्रालय न केवल शहरों में कैंप लगा रहा है, गांवों में भी तहसील स्तर पंचायत लेवल पर भी सर्वे करा के कैंप लगाया जाता है। ATIP से रिलेटेड जितने भी जो दिव्यांग भाइयों को जो भी उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं वो ब्लॉक लेवल तक भी जो मेला लगाया जाता है, और वहां पर पहले 5-7 दिन पहले सर्वे करवा के और उसके बाद सारा उनको जरूरी उपकरण दिए जाते हैं असेसमेंट करवा के। तो ऐसा नहीं है कि हम शहरों में ही अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गांव में भी ब्लॉक लेवल तक भी हमारे यहां पर जागरूक करने की कार्रवाई की जा रही है। कमल जी, जी जी, RC मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आप जुड़े, और जो देश में दिव्यांगजनों के लिए सरकार एक सुलभ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है अपनी योजनाओं से, अपनी पहल से और नीतियों से, इन योजनाओं नीतियों के बारे में आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी से बात करने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समावेशी समाज और दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विशेषज्ञ RC मीणा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।